पार्टनर की सेक्स की डिमांड एंग्जाइटी डिप्रेशन का कारण, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन में एक लेडी का फ़ोन आया, अप्रॉक्सीमेटली 50 साल की लेडी, अनमैरिड। वो मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ, शायद आप भी उसमें से गुजर सकते हो या सिमिलर सिचुएशन आपके लाइफ में भी आती होंगी, तो आपको उसमें डायरेक्शन मिल सकती है। तो ये 50 साल की लेडी है, अनमैरिड है, सर्विस में है, अभी तक शादी की नहीं क्योंकि उसको कभी शादी में इंटरेस्ट ही नहीं था। उसने करियर बनाया अपना और अपने सिस्टर भाई उनका सब किया और खुद अनमैरिड रही। अभी वो पिछले 2-3 साल से एक पुरुष के संपर्क में आई, वो उनको अपना ये मानती है कि भाई ये मेरा गाइड है, फिलोसोफर एंड गाइड है, वो कुछ अच्छी बातें बताता है, जो बातें बताता है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे लाइफ के लिए अच्छी लगती है। एक लेक्चर सुनने के लिए उनका गई थी और उसमें काफ़ी प्रभावित हो गई उससे, और प्रभावित होने से फिर बोले नहीं मैंने सलाह लेनी चाहिए जब प्रॉब्लम है तो या डिस्टर्ब है तो फिर उनके साथ में बातचीत किया, फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज किया और बाद में उनके साथ में बातचीत करती रही। जब मिलना भी एक ही सिटी में रहते तो मिलना भी हुआ, और जब भी मिलना हुआ 2-4 विजिट्स के बाद में वो जो व्यक्ति था उसने सेक्स की डिमांड की। अब ये जो लेडी है इसने कभी सेक्स किया ही नहीं और इसको सेक्स के प्रति घृणा है। देखो क्या होता है कि लेडीज़ को जब सेक्स के बारे में घृणा रहती है या इच्छा ही रहती है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि वो कॉपरेट ही नहीं करती। और ये हर कपल के बारे में, हर मैरिड लाइफ में होता होगा ऐसा, और होता ही है। तो उसको तो एक्चुअली सेक्स के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं, कोई डिज़ायर नहीं है, और बोलती मगर मुझे उसके साथ में बातचीत करने में अच्छा लगता है, सेक्स करने की इच्छा नहीं, उसने सेक्स नहीं होना भाई, तो उसको मना कर दिया सेक्स करने के लिए। अब मना उसको कर दिया तो फिर वो उसने डिमांड किया, फिर उसको लगता है कि देखो मैंने उसको मना कर लिया सेक्स करने के लिए, वो अपसेट हो गया कि मैंने सेक्स के लिए ना बोला तो अब वो मुझे टालेगा। तो वो कभी फ़ोन करती है तो वो कभी फ़ोन लेता नहीं, उसको लगता है देखो उसने मेरे को टाल दिया है, उसने मेरे को अवॉइड किया है, और मुझे तो सेक्स के लिए हाँ बोलने का नहीं है। उसमें फिर उसको अभी काफ़ी एंग्जाइटी होती है, टेंशन आता है, फिर कभी डिप्रेशन भी होता है कि अभी क्या करूँ, कश्मकश में। मैंने पूछा कि आपको क्यों सेक्स की इच्छा नहीं है, क्या होता है, मतलब किया तो क्या हो जाएगा? नहीं बोले वो पहले से ही, मतलब देखो क्या होता है, बचपन का जो मैंने पहले भी वीडियो में कहा हुआ है कि बचपन में जो होता है कोई ऐसे संस्कार हो जाते हैं, पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट पिताजी थे, और उन्होंने कभी लड़की है तो बिल्कुल ही बाहर जाने का नहीं है, शाम हो गई तो घर पर आने का है, कोई लड़कों के साथ में बातचीत करना नहीं, ऐसा स्ट्रिक्टली बताया था, किसके साथ में बातचीत नहीं करना है, लड़कों के साथ में कोई स्कूल में नोट्स एक्सचेंज करना या ऐसा कुछ भी नहीं है, और सेक्स मतलब टालना चाहिए, सेक्स मतलब बच्चे पैदा करने का एक मशीन है, उत्ते पुरता करना है, बाकी सेक्स मतलब बिल्कुल बुरा है, उसके बारे में बातचीत नहीं करना, ना टीवी पे कभी देखना है, ना कभी बुक्स, ना कभी पिक्चर्स, ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा वातावरण रखा कि सेक्स मतलब गंदा, सेक्स मतलब बुरा, सेक्स अच्छा नहीं है। ऐसे इसमें वो उसकी परवरिश हुई है, अब ऐसे परवरिश में तो उसको सेक्स के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं, वो होना ही नहीं, ऐसे इसमें वो फंसी हुई है। कि फिर मैंने बोला कि देखो अभी आप क्या चाहती हो, आप चाहती क्या हो? बोले मैं चाहती हूँ कि उसके साथ में बातचीत करें, अच्छा लगता है बातचीत करने में। मतलब मैंने बोला आपका अट्रैक्शन तो है, फिजिकल अट्रैक्शन? बोले नहीं, हाँ नहीं, हाँ ऐसा करते हो, हाँ है फिजिकल अट्रैक्शन है। तो मतलब फिर आपको अच्छा लगता है, आप एंजॉय करती हो वो उसकी विजिट, उसकी मीटिंग एंजॉय करती है, फिर आपको एक तो वो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको वो डर है कि वो डिमांड करता है तो फिर आप ना बोलती है उसको। तो ऐसा है कि आपको सामने वाले को क्या वांट है वो फुलफिल करने के लिए वो आप करती है, तो आपको जो वांट है वो आपको मिलेगा, तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिलाना है, तो सामने वाला जो चाहता है उसको देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर स्ट्रिक्टली ना बोलना पड़ेगा, अभी ये चलता नहीं है, और फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कीमत कौन सी है कि भाई उसके साथ में संबंध टूट सकते हैं, हो सकता है कि टूटेंगे भी नहीं, टूट सकते हैं संबंध, वो ना बोलेगा या फिर संबंध रखेगा नहीं, तो नो चॉइस आपका है। देखो ऐसे कंडीशन होते हैं कि वातावरण में ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता है जिसकी वजह से एंग्जाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, टेंशन आते रहते हैं। तो एक कारण ऐसा हो गया कि वातावरण में कुछ हुआ और उसके वजह से भी एंग्जाइटी डिप्रेशन हुआ। मतलब अभी आपको अभी आज क्या प्रॉब्लम? बोले आज ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं हरदम तो मिलती नहीं, हफ्ते में एक आधी बार, महीने में 2-3 बार मिलते हैं, अभी मुझे कल परसों मिलने का है, और अभी मुझे वही लग रहा है कि मुझे मिलने की तो बहुत इच्छा है, मगर अभी वो क्षण याद आया कि मुझे धड़कन हो जाती है, घबराहट हो जाती है कि उसको ना कैसे बोलूं, और ना बोल दिया तो वो मुझे डाल देगा, क्योंकि वो मिलेंगे तो बोलेगा कि ही विल डिमांड फॉर सेक्स। तो मिला चॉइस आपका है,
मेरे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, निर्णय आपने लेने का है कि भाई आपको जो चाहिए वो आपको मिलना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो लोगों को क्या चाहिए वो लोगों को देना पड़ेगा, इसे गिव एंड टेक, और फिर नहीं तो फिर उसका इम्पैक्ट भी आपको लेना पड़ेगा, चॉइस आप करो। तो इस तरह से लाइफ में ऐसे काफ़ी सिचुएशन आती रहती है कि हमको एक पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, मगर हम खोने के लिए तैयार नहीं रहते, हमको चाहिए वो, तो ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा बोला जाता है हरदम देर इज़ नो फ्री लंच इन लाइफ, देर इज़ नो फ्री लंच, कोई भी खाना फुकट में मिलता नहीं है, आपको लगता है कि ये फ्री में है, बट देर इज़ नो फ्री लंच, कहीं भी देर इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक। ये प्रिंसिपल आप लाइफ में लाते हैं तो आपको काफ़ी लाइफ में आनंद आएगा, लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ आप जी सकोगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।